हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोलोकाइन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, डोलोकाइन टैबलेट के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस टैबलेट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, डोलोकाइन टैबलेट का इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, डोलोकाइन टैबलेट की बात करें तो इसको मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया गया है, एसिक्लोफेनिक 100 mg इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 29 रुपीज़ में ये 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है। इस समय जो इसका प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, इस डोलोकाइन टैबलेट को जो इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों यदि किसी के हाथ पैरों में दर्द रहता है, उसके साथ साथ दोस्तों यदि आपके टीथ पेन है, यदि आपके दांतों में दर्द की समस्या है तो उस कंडीशन में इसको लिया जाता है। आपके जॉइंट पेन है दोस्तों, आपके यदि घुटने में दर्द की समस्या है तो उस कंडीशन में इसको लिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों अर्थराइटिस में आपको गठिया की समस्या है तो गठिया की समस्या में आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों ये बुखार में ही बहुत अच्छा काम करती है टैबलेट। यदि किसी को बुखार आ जाता है तो इसको कम्बिनेशन मेडिसिन के साथ इसको दिया जाता है, पैरासीटामोल प्लस एसिक्लोफेनिक के साथ इसको दिया जाता है। दोस्तों, यह है एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। इसको कुछ मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप कोई एंटी हाइपरटेंशन की दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की कोई दवा ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट को अपने डॉक्टर के एडवाइस पर ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसकी डोज की बात करें तो डॉक्टर के द्वारा एक एडल्ट व्यक्ति को सुबह शाम एक एक टैबलेट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, पेट में गैस हो सकती है, दस्त हो सकते हैं। ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।